आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए कि प्रभु ने एक सुंदर शाम को हमारे जीवन में दिया। हम धन्यवादी हैं कि आज के पूरे दिन भर में परमेश्वर ने हमें हर एक टेंशन, हर एक मुसीबत से, हर एक कलेश से और बहुत सारी समस्याओं से परमेश्वर ने हमें बचा के रखा, दुर्घटनाओं से परमेश्वर ने बचाया। इसके लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन से पढ़ें। भजन संहिता 72:18 में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। आमेन। सच में हमारा परमेश्वर धन्य है, वो महान है, वो हमारा परमेश्वर है। उसने हमें चुना, उसने हमारे जीवन में बड़े आश्चर्य कर्मों को किया है। तो उस आश्चर्य कर्मों के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करें कि उसने जो बड़े बड़े काम, जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में किए हैं, सच में वो हमारा परमेश्वर है और वही हमारे जीवन में इन आश्चर्य कर्मों को करता है। तो आइए इस वचन के अनुसार हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। जितने भी लोग हमें फ़ोन कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, उन सब के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके लिए भी हम यीशु मसीह से निवेदन और प्रार्थना करेंगे। तो आइए मिलकर हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में आप अच्छे हैं, आप भले हैं प्रभु, और आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता। आप अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर हैं पिता। आप आश्चर्य कर्मों को करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारे जीवन के प्रभु हैं मेरे पिता। आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा हमारे जीवनों से होने पाए परमेश्वर पिता। सच में प्रभु आप धन्य हैं प्रभु, धन्य है प्रभु आपका नाम प्रभु, और धन्य है प्रभु जी कि आपने हमें चुना परमेश्वर, आपने हमारे जीवनों को बचाया। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी हम हर एक जन के लिए प्रभु तुझसे दुआ करते हैं प्रभु, हर एक को पिता तेरी उपस्थिति में लेकर आते हैं प्रभु। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, पिता तेरी उपस्थिति हर एक के साथ में हुए परमेश्वर, विशेषकर प्रभु हम हर एक के परिवार के लिए पिता, हर एक के परिवार की सुरक्षा के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक के परिवार को तेरी उपस्थिति में लेकर आते हैं, छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक प्रभु, हर एक जन को तेरे पवित्र लहू में ढांपते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आप हर एक को प्रभु सुरक्षा दें प्रभु, उनकी रक्षा हिफाजत करें परमेश्वर। हर एक शैतान की युक्तियों से प्रभु, हर एक बीमारियों से, हर एक कलेश से, हर एक कर्जे से और प्रभु हर एक दुर्घटना से आप हर एक को बचाएं परमेश्वर, उनकी सुरक्षा करें परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद प्रभु, हर एक तंगी से प्रभु आप हर एक को सुरक्षित रखें प्रभु, हर एक के परिवार पर तेरा आशीष होने पाए प्रभु जी। अपनी समृद्धि को प्रभु आप हर एक के परिवार में दे प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी सुख शांति को आप हर एक के परिवार पर दे परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन हर एक खतरे मुसीबतों से आप हर एक को बचाएं परमेश्वर पिता। प्रभु जो भी चिंता परेशानी है, दुख है परमेश्वर, यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंप देते हैं कि हर एक की दुख परेशानी और चिंताओं को आप ले लीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हर एक जन को प्रभु जी संभाला परमेश्वर पिता, हर एक की रक्षा हिफाजत आपने की परमेश्वर पिता, क्योंकि आप हर एक के रक्षक हैं प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में आपके बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को मांगते हैं प्रभु कि आप उनके जीवनों में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करें मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु सबके लिए प्रभु, आज की रात के लिए प्रभु, हम मीठी और अच्छी नींद को हर एक के लिए मांगते हैं प्रभु जी कि आप हर एक को प्रभु मीठी और अच्छी नींद प्रदान करें प्रभु यीशु, अच्छे से सोने में सहायता और मदद करें प्रभु। हर एक टेंशन, हर एक विपत्ति, हर एक गलत बातें प्रभु जो उन्हें सोने से प्रभु रोकती हैं, यीशु मसीह हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उन सारी परेशानियों को, उन सारी चिंताओं को यीशु मसीह आप ले लीजिए और प्रभु आप उन्हें अच्छी और मीठी नींद प्रदान करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, आज की रात को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, हर एक को आप प्रभु रक्षा हिफाजत से रखना मेरे प्रभु। धन्यवाद कि आपने हमारे इन सारे प्रार्थना निवेदनों को सुना, उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।